Good morning, students. Today we will learn about food, and I am your environmental studies teacher, science teacher Alka ma'am. Today we will learn about food, chapter number 1. Right now our chapter says that food are basic need. Food that are basic need. Food, we all know food, that we what we eat, and basic need. Need that means हमारी ज़रूरत, वो हमारी basic ज़रूरत है. Otherwise we cannot grow, we cannot stay alive, we cannot survive, we cannot protect ourselves from the disease. Right? For your better understanding, I also translate in Hindi and use Hindi words also, but you have to improve your English and learn more in English, right? So basic need है हमारी basic need क्यों है? क्योंकि अगर हम food नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे. Food नहीं खाएंगे तो grow नहीं हो पाएंगे. छोटे से बड़े जो होते हैं वो होता है growth करना, grow करना. प्रोटेक्ट मतलब जो भी अभी आप देख सकते हो कि अभी जस्ट नाउ कोरोना की स्थिति है, राइट? तो ऐसे डिजीज में अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को, फूड से हमें वो एनर्जी मिलती है, राइट? इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग बनता है. तो वो सब चीज़ें कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी. दैट इज़ वाई फूड आर इज़ बेसिक नीड. इसीलिए हमारा जो फूड है वो हमारी बेसिक नीड है. नाउ इन फूड हम अभी ये सोचें कि कैसे हम ग्रो करेंगे. खाना खाते हैं तो ग्रो कैसे करते हैं? बिकॉज देर आर सम न्यूट्रिएंट्स, देर आर सम कंपोनेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं फूड में दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर आर ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट थिंग, दैट कंपोनेंट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स. उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, राइट? नाउ देर आर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, मैक्रो एंड माइक्रो, राइट? जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसे मैक्रो कहेंगे, और कम अमाउंट में होगी उसको माइक्रो कहेंगे. सो देर आर नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर, बट इन योर क्लास, इन योर चैप्टर वी जस्ट स्टडीज अबाउट द मेन न्यूट्रिएंट्स, राइट? हियर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, they are the main component of your food. And now after this we knowing that these are the nutrients, right? After that we have to study it more in detail. Like first is carbohydrate. Now what is carbohydrate? Carbohydrate, they give us energy. जैसे हम खाना खाएंगे तुरंत हमें एनर्जी मिलेगी. जैसे खेलने जाओगे तो आप खेल के वापस आओगे तो आपको खाना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपने उतनी एनर्जी यूज़ कर दी है. सो आपको अगर आप भूखे हो और आपको मम्मा बोले कि नहीं जाओ पढ़ाई करो तो यू कांट कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो. सो वी नीड एनर्जी. फूड गिव अस एनर्जी एंड मेनली द कार्बोहाइड्रेट. इट्स अ फूड दैट गिव अस एनर्जी. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड. What it is called? Energy giving food. Then after we have to know that कैसे वो हमें energy मिलेगी, किस में से मिलेगी. All the food have all type of nutrients, but it is less or more, ज़्यादा या कम वो nutrients जो present रहते हैं उसके ऊपर से हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि इसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसमें से प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, बाकी सब में कोई ना सारे थोड़े और ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं. हियर एनर्जी गिविंग फूड दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. दिस कार्बोहाइड्रेट्स वी कैन टेक फ्रॉम ब्रेड, इडली, ऑल टाइप ऑफ सीरियल्स. नाउ व्हाट इज सीरियल्स? सीरियल्स दैट मीन्स अनाज, जो हम डेली का अनाज खाते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया. ऑल दिस आर कॉल्ड द सीरियल्स. फ्रॉम दिस सीरियल्स वी कैन गेट कार्बोहाइड्रेट, एंड कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी. नाउ हु वॉन्ट, हु नीड दिस एनर्जी मोर? किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए?
जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, लाइक लेबर्स, जो अपने आपने देखा होगा कि रोड की साइड कुछ खड्डे खोदने हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है. फार्मर्स जो खेतों में बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा फिजिकल वर्क करते हैं. एथलीट्स जो अपने फिजिकल दौड़ना, खेलना, कूदना, उसमें भी फिजिकल एनर्जी, फिजिकल चीज़ें, फिजिकल काम बहुत ज़्यादा होता है, राइट? सो दे नीड मोर एनर्जी. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस लेक्चर, वी हैव जस्ट लर्न्ड व्हाई शुड वी नीड फूड, क्यों हमें फूड चाहिए, देन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स एंड द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स वी हैव जस्ट learn it, and in detail we learn carbohydrates. In next video we will learn more about the another nutrients like protein, vitamins, etc. Thank you.